हेलो एवरीवन इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स कवर करेंगे पी फोर जी सियोल समिट से रिलेटेड सियोल साउथ कोरिया की राजधानी है पी फोर जी का मतलब है पार्टनरशिप फॉर ग्रीन ग्रोथ एंड ग्लोबल गोल्स ये ग्लोबल गोल्स कब के लिए है 2030 के लिए सो so रिसेंटली ये पी फोर जी समिट हुई थी इसे साउथ कोरिया ने होस्ट करवाया था साउथ कोरिया की राजधानी है सियोल सो so इसलिए इसको सियोल समिट भी बोला गया है और इसका ऑब्जेक्टिव था ग्रीन ग्रोथ पर फोकस करना ग्रीन ग्रोथ का मतलब है कार्बन एमिशन है उसको कम करना सो so, इसका थीम है वो था इंक्लूसिव ग्रीन रिकवरी टूवर्ड्स कार्बन न्यूट्रलिटी नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर सेक्टर से रिलेटेड हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या है हॉर्टिकल्चर का मतलब है जैसे वेजिटेबल कल्टिवेशन फ्लावर्स यानी फूल सब्जियां फ्रूट्स ये सब हॉर्टिकल्चर का पार्ट है तो हॉर्टिकल्चर सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक स्कीम अनाउंस की है हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट ये स्कीम अनाउंस की है, है और ये जो स्कीम है इसको इम्प्लीमेंट करेगा एनएचबी एनएचबी है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड इंडिया में जो हॉर्टिकल्चर है यानी इंडियन हॉर्टिकल्चर है उसके फादर के तौर पर जाना जाता है एम एच मारी गौड़ा को सो एम एच मारी गौड़ा को फादर ऑफ इंडियन हॉर्टिकल्चर के नाम से जाना जाता है नेक्स्ट न्यूज है इंडिया के जी डेटा से रिलेटेड सो रिसेंटली एनएसओ यानी नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस ने ये डेटा रिलीज किया है और इस डेटा के हिसाब से जी है वो कॉन्ट्रैक्ट कर गई कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब है कम हो गई सो so, ये माइनस में है इसलिए इसको बोला गया है क्योंकि कम हो है कि जीडीपी का डेटा कौन रिलीज करता है, सो ये है NSO, National Statistical Office, और इसको दो ऑर्गेनाइजेशन के मर्जर के बाद बनाया गया था एक है सीएसओ यानी सेंट्रल स्टेटिस्टिक्स ऑफिस और दूसरा है एनएसएसओ ऑफिस तो इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन को मर्ज करके एन बनाया है और एन नेक्स्ट है, है पहला साइबर सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव काउंसिल लॉन्च किया है माइक्रोसॉफ्ट इसका मेन परपज है साइबर थ्रेट्स को एड्रेस करना साइबर थ्रेट्स का मतलब क्या है साइबर थ्रेट यानी कंप्यूटर रिलेटेड जो थ्रेट्स हैं या कंप्यूटर या डिजिटल डिवाइस की मदद से जो क्राइम्स किए जाते हैं जो सिक्योरिटी रिलेटेड थ्रेट्स हैं उनको एड्रेस करने के लिए ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है माइक्रोसॉफ्ट ने और ये एशिया पैसिफिक का पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है साइबर क्राइम से रिलेटेड बात करें तो यहाँ पर आपको दो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं नंबर वन बुडापेस्ट कन्वेंशन ये है साइबर क्राइम से रिलेटेड और ये कन्वेंशन दो से फोर्स में है नेक्स्ट है इंडिया के फाइनेंशियल डेटा से रिलेटेड सो रिसेंटली सीजीए सीजीए का फुल फॉर्म है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स सो रिसेंटली सीजीए ने गवर्नमेंट रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर डेटा रिलीज किया है रेवेन्यू का मतलब है जो पैसा आपके पास आया आपके पास यानी कि सरकार के पास जो कमाई हुई वो एक्सपेंडिचर का मतलब है सरकार ने जो पैसा खर्च किया सो so, इस डेटा के हिसाब से नेट टैक्स रिसीट हैं वो 14.2 लाख करोड़ की हैं यानी इतना पैसा टैक्स से आया है और जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो है 35.11 लाख करोड़ अब आप बोलोगे की पैंतीस लाख करोड़ का खर्च हुआ है और सिर्फ फोर्टीन लाख करोड़ टैक्स से आए हैं सो गवर्नमेंट के पास नॉन टैक्स रेवेन्यूज भी होते हैं यहाँ पर ये फोर्टीन पॉइंट टू फोर लैख है ये सिर्फ टैक्स डेटा है यानी टैक्स से आया जो कलेक्शन है वो है नेक्स्ट है डिफेंस मिनिस्ट्री नोटिफाइज सेकेंड पॉजिटिव इंडिजुनाइजेशन लिस्ट एक आपको यहाँ पे चीज याद रखनी है पॉजिटिव लिस्ट है इंडिजुनाइजेशन सो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं वो या तो हम इंडिया में बना सकते हैं या फिर उनको हम इम्पोर्ट करते हैं या फिर हम उनको बना सकते हैं जो जो इंडिया मेड है लोकल जो है उनको इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स बोलते हैं अब ये जो पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट जारी की है इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट्स हम बाहर से इम्पोर्ट नहीं करेंगे और इनको हम इंडिया में ही बनाएंगे ऐसे टोटल एक प्रोडक्ट्स की लिस्ट जारी की है इस चीज को सेम इसी चीज को मैं एक और तरीके से बोल सकता हूँ नेगेटिव लिस्ट फॉर डिफेंस इंपोर्ट नेगेटिव क्यों नेगेटिव इसलिए क्योंकि ये प्रोडक्ट्स हम इम्पोर्ट नहीं करेंगे तो इम्पोर्ट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे इम्पोर्ट नहीं करेंगे इसका मतलब है हम इंडिया में ही इन प्रोडक्ट्स को बनाएंगे इसीलिए इसको पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट बोला गया है नेक्स्ट है नासा से रिलेटेड सो नासा यूएसए की एक स्पेस एजेंसी है और ये बेबी स्क्विड्स और टारडी ग्रेड को आईएसएस में सेंड करेगी टार्डी ग्रेड क्या है वाटर बियर सो ये है बेबी स्क्विड्स ये टार्डी ग्रेड्स इनको नासा यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सेंड करेगी तो इनको क्यों सेंड किया जाएगा इनको इसलिए सेंड किया जाएगा ताकि ये स्टडी किया जा सके कि जो माइक्रोब्स हैं वो इन एनिमल्स के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं स्पेस में इसके अलावा नासा रिसेंटली अर्टिमिस अकॉर्ड के कारण भी न्यूज में था और रिसेंटली नासा ने इस अकॉर्ड के चलते न्यूजीलैंड से एग्रीमेंट किया है ताकि दोनों देश मिलकर स्पेस एक्सप्लोरेशन में काम कर सके जो अर्टिमिस प्रोग्राम है नासा का प्रोग्राम है जिसका मेन पर्पज है ह्यूमन बींग्स को मून पर भेजना चिप ऑफ टेक्निक सो रिसेंटली यानी सेंट्रल फोरेंसिक साइंस रिसेट्री के साइंटिस्ट ने यानी उनकी टीम ने साइंटिस्ट की एक टीम ने ये चिप ऑफ टेक्निक तैयार की है इनक्रिप्टेड डेटा को रिट्रीव करने के लिए नेक्स्ट न्यूज है ए एम बी यानी एम्फोट्रीसी बी सो रिसेंटली आई आई टी हैदराबाद के रिसर्चर्स ने ब्लैक फंगस

एन NACH क्या है एन का फुल फॉर्म है नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस सो अभी तक आपने एक ट्रेंड नोटिस किया होगा कि जो सैलरी है या जो पेंशन है वो सब से रिलेटेड जो पेमेंट आती है वो बैंक हॉलीडेज के दिन नहीं आती है या वीकेंड्स में नहीं आती है अभी आर ने अनाउंस किया कि जो एन है देखिए नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस है ये एक अगस्त से यानी ये फैसिलिटी एक अगस्त से सभी दिन अवेलेबल होगी सो ऑल डेज ये अवेलेबल होगी एक अगस्त से ये फैसिलिटी बल्क पेमेंट्स के क्लियरेंस के लिए भी इस्तेमाल में लाई जाती है नेक्स्ट है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट से रिलेटेड सो so, ये एनवायरमेंट डे के दिन आयोजित करवाई गई थी इसको आयोजित करवाया था टीईआर ने और एनवायरमेंट मिनिस्टर मिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने इस समिट को एड्रेस किया था टीईआरआई का फुल फॉर्म क्या है द एनर्जी एंड रिसोर्सिस इंस्टीट्यूट और ये जो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट थी इसका थीम था रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर वर्ल्ड एनवायरमेंट डे की बात करें तो ये फिफ्थ ऑफ जून को मनाया जाता है और इस बार के लिए जो ग्लोबल होस्ट था वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के लिए वो है पाकिस्तान नेक्स्ट है आई सी ए आर आई आई एस आर गेट पेटेंट फॉर ब्लैक पेपर माइक्रोन्यूट्रिय मिक्सर सबसे पहले ब्लैक पेपर का मतलब है काली मिर्च आई है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च जैसे मेडिकल फील्ड के लिए है आईसीएमआर वैसे ही एग्रीकल्चरल फील्ड में रिसर्च के लिए है आई और जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर होते हैं मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है वो आई के प्रेजिडेंट होते हैं आई की बात करें तो ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसिस रिसर्च सो रिसेंटली आई सी ने काली मिर्च के लिए जो माइक्रोन्यूट्रिएंट फॉर्मुलेशन है उसके लिए पेटेंट रिसीव किया है नेक्स्ट त्रि रश्मी बुद्धिस्ट केव कॉम्प्लेक्स इस केव कॉम्प्लेक्स यानी गुफाओं के इस ग्रुप को पांडव लेनी भी बोलते हैं और ये केव्स हैं महाराष्ट्र में अभी यहां पर तीन नई गुफाएं मिली हैं ये महाराष्ट्र के नासिक के पास हैं और रिसेंटली ए को ये तीन नई गुफाएं मिली हैं एएसआई क्या है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सो एस आई है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के और प्रेजेंट में इसकी डीजी यानी डायरेक्टर जनरल है, है हिसाब की किताब सो so, ये सिक्स शॉर्ट फिल्म है जिनको कॉमन सर्विसेज सेंटर ने तैयार किया है और ये यूज में ली जाएंगी आई के द्वारा अब ये आई है क्या इसका मतलब है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी सो जैसा कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है कि ये इन्वेस्टर्स को एजुकेट करने के लिए और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए अथॉरिटी बनाई गई है और इन्वेस्टर्स को एजुकेट और प्रोटेक्ट करने के लिए एक फंड भी है जो है आई यानी इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड और इस फंड को कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 के तहत सेट किया गया है ये वही कंपनीज एक्ट है जिसके थ्रू सी एस आर को मैंडेटरी बनाया गया है सी एस आर क्या है कॉर्पोरेट सोशल यानी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीजन है, है उनकी कुछ सोशल सोशलिटीज भी हैं सो फर्स्ट न्यूज है आई ए यू से रिलेटेड आई एयू का फुल फॉर्म क्या है इंटरनेशनल एस्ट्रोनोमिकल यूनियन सो ये एक संस्था है जिसने रिसेंटली आठ चाइनीज नेम को अप्रूव किया है चांद के आसपास जो एरियाज हैं उन पर फीचर्स को नाम देने के लिए सो so, आपको दो चीजें याद रखनी है फर्स्ट है आई ए यू यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन दूसरा है चाइना के आठ नेम्स को इसने अप्रूव किया है मून के लिए मून पर जो फीचर्स है उनको नाम देने के लिए नेक्स्ट न्यूज है डल लेक से रिलेटेड सो so ये कश्मीर की लेक है और यहाँ पर काफी एंक्रोचमेंट और इलीगल कंस्ट्रक्शन के मामले सामने आए लॉकडाउन के दौरान एनक्रोचमेंट का मतलब है अवैध तरीके से जमीन पर कब्जा करना सो so, ये कश्मीर की फेमस लेक है इसके अलावा रिसेंटली लोनार लेक भी न्यूज में थी ये महाराष्ट्र में है और रिसेंटली ये न्यूज में थी क्योंकि इसको रामसर साइट घोषित किया गया था नेक्स्ट है वाइट माउंटेन सो so, ये व्हाइट माउंटेन है ये सीरिया में ये व्हाइट माउंटेन इसलिए है क्योंकि ये जिप्सम से कवर्ड है और ये 4000 साल पुराना वॉर मेमोरियल है रिसेंटली सीरिया इसलिए भी न्यूज में था क्योंकि सीरिया में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए थे और इन इलेक्शंस में बसर अल असद फोर्थ टाइम प्रेसिडेंट के तौर पर इलेक्ट हुए हैं वहां पर जो प्रेसिडेंट का टेन्योर है वो है सेवन इयर्स का माउंटेन की बात करें तो हर साल ग्यारह दिसंबर को इंटरनेशनल माउंटेन डे के तौर पर मनाया जाता है अच्छा इसके अलावा रिसेंटली एक और डे न्यूज में था रिसेंटली डब्ल्यू की वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुई थी डब्बल्यू एच ओ है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी हुई थी 74th सेशन हुआ था उसका और उसके दौरान ये किया गया कि 30th January को वर्ल्डेड ट्रॉपिकल डिजीजे डे के तौर पर मनाया जाए अब नेगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज कौन सी होती हैं? वो डिजीज जो ट्रॉपिकल एरियाज में पाई जाती हैं और जनरली ये एरियाज उतने डेवलप्ड नहीं हैं। तो इसके लिए यहाँ पर इन डिजीज

रोमन स्पेस टेलीस्कोप रख दिया है अब ये कौन है? ये एक्चुअली नासा की पहली चीफ ऑफ एस्ट्रोनॉमी थी तो इनके नाम पर ये नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप रखा गया है पहले इसका नाम था वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप एल है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल सो इंडियन आर्मी इन ड्रोन को इसराइल से किराए पर लेगी और उसके बाद ये इंडिया चाइना के बीच जो एल है यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वहां पर इनको डिप्लॉय किया जाएगा ताकि ये उस एरिया को मॉनिटर कर सके के बात करें के कारण न्यूज में था इसके अब्राहम के कारण भी न्यूज में था और इसके तहत इसराइल ने यू और, और देशों के साथ अपने रिश्ते नॉर्मलाइज किए हैं नेक्स्ट न्यूज है एक पोर्टल आकांक्षा से रिलेटेड सो ये पोर्टल है ये कर्नाटका सरकार का एक पोर्टल है और इसलिए लॉन्च किया गया है ताकि कर्नाटका में जितनी भी सी एस आर एक्टिविटीज है सी एस आर का मतलब होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज सो ये जितनी भी सी एस आर एक्टिविटी स्टेट्स में की जाती है उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा पोर्टल का नाम है आकांक्षा पोर्टल नेक्स्ट न्यूज है जर्मनी और नॉर्वे से रिलेटेड सो so, इन दोनों के बीच एक अंडरसी पावर केबल प्रोजेक्ट न्यूज में था और इस प्रोजेक्ट का नाम है नोड लिंक ये वन फोर जी डब्ल्यू का प्रोजेक्ट है जी डब्ल्यू यानी गीगा वोट सो ये 623 किलोमीटर लंबी कनेक्शन प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट का नाम है नोड लिंक और ये नॉर्वे और जर्मनी को कनेक्ट करेगा और इस प्रोजेक्ट के थ्रू दोनों देश ग्रीन एनर्जी एक्सचेंज कर पाएंगे नेक्स्ट न्यूज है DRDO से रिलेटेड सो so DRDO ने नियर आइसोथर्मल फोजिंग टेक्नोलॉजी बनाई है एरो इंजेंस के लिए सो इसमें मोस्ट कॉमन क्वेश्चन हो सकता है कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने नियर आइसोथर्मल टेक्नोलॉजी बनाई है जेट या एरो के डी आर डी टेक्नोलॉजी बनाई है डीआरडीओ ने डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये एमओडी के अंडर में है एमओडी यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रेजेंट डिफेंस मिनिस्टर है मिस्टर राजनाथ सिंह सो रिसेंटली मिस्टर सिंह इसलिए भी न्यूज में थे क्योंकि उन्होंने सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया है ये टेलीमेडिसिन टेली पोर्टल है सो so, ये एक हेल्थ पोर्टल है जहां पर डिफेंस सिक्योरिटी फोर्सेस के डॉक्टर्स टेली कंसल्टेशन की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे पब्लिक सेक्टर बैंक से रिलेटेड यानी पीएसबी सो कोविड की सिचुएशन में और लोन देने के लिए रिसेंटली पब्लिक सेक्टर बैंक ने तीन नए लोन प्रोडक्ट अनाउंस किए हैं सो so, ये किन किन के लिए है ये है वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स के लिए हॉस्पिटल्स या डिस्पेंसरीज के लिए और पैथोलॉजी लैब्स के लिए यानी जो लैब्स टेस्ट करती हैं उनके लिए सो so, इन सेक्टर्स के लिए अब बैंक्स लोन प्रोवाइड करेंगे और एक और खास बात यह है कि पांच लाख रुपए तक के लोन हैं वो अनसिक्योर्ड लोन होंगे नेक्स्ट न्यूज है कोस्ट गार्ड्स ऑफशोर पेट्रोल वेसल जिसका नाम है सजग सो रिसेंटली एन मिस्टर अजीत डोभाल ने इसको कमीशन किया है आईसीजी यानी इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करें तो ये एमओडी के अंडर में है और इस ऑफशोर पेट्रोल वेसल की बात करें तो इसका नाम है सजग और इसे तैयार किया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने एनएसए की बात करें तो वो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रिसेंटली एक और एनएसए एनएसए यानी पुराने NSA न्यूज में थे उनका नाम है मिस्टर शिवशंकर मैन सो रिसेंटली उनकी बुक न्यूज में थी बुक का नाम है इंडियन एंड एशियन जियो पोलिटिक्स नेक्स्ट है वर्ल्ड नो टबैको डे से रिलेटेड सो रिसेंटली झारखंड ने टबैको की ग्यारह ब्रांड को बैन कर दिया है टबैको की बात करें तो इकतीस मई को वर्ल्ड नो टबैको डे के तौर पर मनाया जाता है इसे डब्ल्यू एच ओ के द्वारा मनाया जाता है और इस साल का थीम था कमिट टू क्विट अच्छा टबैको और अदर प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए इंडिया में एक कानून है जिसका नाम है कोत्पा कमेंट बॉक्स में बताइए इसका फुल फॉर्म क्या है नेक्स्ट है ईपीएफओ और ई से रिलेटेड ई है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ई है

अब नए जो एडिशनल बेनिफिट्स अनाउंस किए गए हैं उनके हिसाब से इनके को से इनके फैमिली मेंबर्स इनको वो सब बेनिफिट्स मिलते रहेंगे जो उनको डेथ ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट इंजरी के कारण मिलते हैं सिंपलेस्ट टर्म में मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ मान लीजिए कोई वर्कर है ए और वो किसी कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करते हैं और अगर कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते टाइम कुछ इंसिडेंट की वजह से उनकी डेथ हो गई तो उनके फैमिली मेंबर्स को इन स्कीम्स के बेनिफिट मिलते हैं। अब सरकार ने ये अनाउंस किया है कि अगर कोविड के कारण भी डेथ हुई है तो उनके मेंबर्स को यानी जो डिपेंडेंट मेंबर्स हैं उनको ये बेनिफिट्स मिलते रहेंगे जो डेथ ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट इंजरी के केस में मिलते थे वही सेम बेनिफिट्स इस केस में भी मिलेंगे नेक्स्ट है कॉर्पोरेट प्रॉफिट टू जीडीपी रेशियो सो ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि 10 साल में ये हाईएस्ट है सो so, इंडिया में जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनका प्रॉफिट 57.6 परसेंट इंक्रीज हुआ है और अगर कॉरपोरेट प्रॉफिट टू जीडीपी रेशियो की बात करें तो ये है 2.63 और ये लास्ट के 10 साल में हाईएस्ट है सो so, आप एक चीज सोच के देखो लास्ट ईयर लॉकडाउन था उसके बाद भी जो कॉरपोरेट प्रॉफिट है वो इंक्रीज हुआ है सो so, ये एक

नेशनल हेल्पलाइन नंबर दिखाएं ताकि लोगों को उन नंबर्स उन हेल्पलाइन नंबर्स के बारे में जानकारी मिल सके नेक्स्ट न्यूज है इको डब्ल्यू ए एस से रिलेटेड इको डब्ल्यू ए एस क्या है इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स सो ये एक इकोनॉमिक ग्रुपिंग है वेस्ट अफ्रीकन देशों की और ये पंद्रह देशों की एक ग्रुपिंग है रिसेंटली इसकी एक एमरजेंसी मीटिंग हुई थी और ये मीटिंग हुई थी आकरा में आकरा घाना की कैपिटल है और इस मीटिंग के बाद मेंबर कंट्रीज ने माली को माली भी एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है है माली को इस ग्रुपिंग से सस्पेंड कर दिया है। क्यों क्योंकि वहाँ पर बोलते है, के केस में हुआ था सो so, इसी के लिए इन्होंने माली को इस ग्रुप से सस्पेंड कर दिया है नेक्स्ट है हवल स्पेस टेलीस्कोप से रिलेटेड सो रिसेंटली ये न्यूज में था क्योंकि इस स्पेस टेलीस्कोप ने एनजीसी पिक्चर्स कैप्चर की है ये क्या है पूछ सकते हैं है? so, है। और कैप्चर की है जो अपने सोलर सिस्टम की गैलेक्सी है उसका नाम है मिल्की वे हबल स्पेस टेलीस्कोप की बात करें सो so, ये नासा और ई एस एनि यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट और इसको 1990 में लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया गया था लो अर्थ ऑर्बिट की बात करें तो आईएसएस यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो भी लो अर्थ ऑर्बिट में ही है नासा की बात करें तो रिसेंटली नासा क्यूरियोसिटी रोवर के कारण भी न्यूज में था ये मार्स के लिए रोवर है और रिसेंटली इस रोवर ने गेल क्रेटर की पिक्चर्स शेयर की है सो so, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि गेल क्रेटर किस प्लेनेट से रिलेटेड है ये मार्स से रिलेटेड है नेक्स्ट है एमबी टैग सो ये आई आई रोपर ने डेवलप किया है और ये रियल टाइम एम्बियट टेम्परेचर को रिकॉर्ड करने की डिवाइस है रियल टाइम का मतलब क्या है मान लीजिए वैक्सीन है वो प्लेस ए से लेकर प्लेस बी तक पहुंचाई जा रही है सो so, सपोज ये कार में है अब ये डिवाइस है ये टेम्परेचर रिकॉर्ड करता रहेगा कि किस पॉइंट पर कितना टेम्परेचर है सपोज यहाँ पर से 37 डिग्री है यहाँ पर 40 डिग्री हो गया सो so, इसकी इंपोर्टेंस क्या है कुछ वैक्सीन्स के केस में या कुछ मेडिसिन के केस में लो टेम्परेचर करना जरूरी है सो so, ये डिवाइस इस चीज में हेल्प करेगा नेक्स्ट न्यूज है रेस टू जीरो कैंपेन सो ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है और इसका ऑब्जेक्टिव है जीरो कार्बन रिकवरी सो रिसेंटली क्लाइमेट ब्रेक थ्रूज समिट आयोजित हुई थी क्लाइमेट ब्रेक थ्रूज समिट और इस समिट के दौरान ये कैंपेन दोबारा से न्यूज में था तो so, ये जो समिट है ये मल्टी ऑर्गेनाइजेशन का कोलोबरेशन है इसमें है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यू एन क्लाइमेट क्लाइमेट से रिलेटेड एक और इवेंट न्यूज में थी कोप ट्वेंटी मुहिम का मतलब, so, मतलब कैंपेन सो so, पंजाब सरकार का एक कैंपेन है टीचर पेरेंट कॉन्टेक्ट कैंपेन यानी जो प्राइमरी स्कूल के टीचर्स हैं उन्होंने जो स्कूल के बच्चे हैं उनके पेरेंट्स से कॉन्टेक्ट किया है थ्रू फोन और बच्चों की हेल्थ एजुकेशन और कोविड से रिलेटेड मुद्दों पर पेरेंट्स से बात की है पंजाब की बात करें तो के केसेस को कंट्रोल करना इसके अलावा रिसेंटली एक और कैंपेन न्यूज में था कैंपेन का नाम है जेंडर सो no so ये कैंपेन स्पेन में है और इस कैंपेन का मेन पर्पज क्या है एक्चुअली स्कूल में एक बच्चे को सस्पेंड कर दिया गया था एक लड़के को सस्पेंड कर दिया गया था क्योंकि उसने स्कर्ट पहनी थी उसके बाद स्कूल के यानी डिफरेंट डिफरेंट स्कूल के मेल टीचर्स ने भी स्कर्ट पहनना शुरू कर दिया कि जो क्लोथ्स हैं उनको स्टीरियोटाइप ना किया जाए और क्लोथ्स का कोई जेंडर नहीं है सो so इसलिए जो मेल टीचर्स हैं वो भी स्कर्ट पहन के आने लगे इसी को कैंपेन का नाम दिया गया है क्लोथ्स है स्पेन में है नेक्स्ट है स्वास्तिक टेक्नोलॉजी सो रिसेंटली सी एस आई आर एनसीएल लैब ने स्वास्तिक टेक्नोलॉजी की मदद से वाटर को नेचुरल ऑयल से डिसइंफेक्ट करने का मेथड तैयार किया है डिसइंफेक्ट का मतलब है है कि उसको पीने लायक बना दिया है। उसमें जो माइक्रोब्स थे उन सबको रिमूव करके तो so पर लैब ने वाटर टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव के साथ भी कोलेबरेट किया है वाटर टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव की बात करें तो ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की एक पहल है और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में है एनसीएल की बात करें तो ये है नेशनल केमिकल लेबोरेटरी सो ये सी के एक लैब है और ये पुणे बेस्ड लैब है पुणे महाराष्ट्र में सी एस आई आर की बात करें तो ये है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेक्स्ट न्यूज है इंटरनेशनल नाइट्रोजन इनिशियेटिव से रिलेटेड सो रिसेंटली इसकी कॉन्फ्रेंस जर्मनी में आयोजित हुई थी टू बी स्पेसिफिक ये जर्मनी के बर्लिन में आयोजित हुई थी और इसको जर्मनी की एनवायरमेंट एजेंसी ने होस्ट करवाया था आई आई की बात करें तो इसको 2003 में सेटअप किया गया था दो इनिशिएटिव इसके लिए की रोल प्ले करते हैं एक है स्कोप स्कोप इनिशिएटिव और एक है आईजीबीपी का फुल फॉर्म क्या है स्कोपिप ऑफ साइंटिफिक कमेटी ऑन ऑफ एनवायरमेंट और आईजीबीपी का फुल फॉर्म क्या है इंटरनेशनल जियोस्फियर बायोस्फीयर प्रोग्राम स्कोप का फुल फॉर्म क्या है साइंटिफिक कमेटी ऑन प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंट आईजीबीपी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल जियोस्फियर बायोस्फियर प्रोग्राम नेक्स्ट है सतत स्कीम से रिलेटेड सो सतत का फुल फॉर्म क्या है सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टूवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन सो इस स्कीम के तहत मेन ऑब्जेक्टिव है सीबीजी प्लांट्स सीबीजी का मतलब है कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स और फिर इन प्लांट्स से जो सीबीजी जी आएगी उसको ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में यूज करना